सिपाही सड़क दुर्घटना में घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। घायल अवस्था में एक सिपाही को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया, लेकिन दुर्घटना कैसे हुई जानकारी नहीं मिल पाई। घायल सिपाही का नाम अमरकांत शुक्ला है, जो फुर्सतगंज का निवासी है। उस दिन क्षेत्र में ही सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गया। उसे नीलम तिवारी नाम की एक महिला जिला अस्पताल लेकर पहुंची। दुर्घटना कैसे हुई इस बात की सिपाही अभी कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। उसको किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मारी और बेहोश हो गया, लेकिन अभी हालत स्थिर है। डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया। खबर मिलते ही जिला अस्पताल चौकी प्रभारी प्रकाश पांडे ने घायल सिपाही का हालचाल जाना और उसका बयान नोट किया। आंसर श्रीवास्तव टीवी इंडिया 10 जिला संवाददाता रायबरेली। सर चोट कैसे लगी आपको? चोट चोट लगी सर, क्या हम गाड़ी चला रहे थे। जी जी जी। और उसमें बिल्कुल पड़ गया मेरा। जी जी बिल्कुल पड़ गया। जी जी। और बिल्कुल में ही उसको लग गया सर। जी जी। हार्ट हार्ट पड़ गया, हार्ट पड़ गया सर। हार्ट पेशेंट होम में सर, हार्ट पेशेंट पड़ गया। कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे थे? लखनऊ सर। सर लखनऊ से आ रहे थे? लखनऊ सर से बनमुखी जा रहे थे। अच्छा, लखनऊ से बनमुखी जा रहे थे। बीच में ही सर अंदर हार्ट का पूरा पूरा सिस्टम फेल हो गया मेरा। हार्ट का पूरा सिस्टम फेल हो गया। किस पोस्ट पे थे आप? तो सर आपको चोट कहाँ का लगी? चोट नहीं लगी सर। जी जी जी। सर मैंने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, गाड़ी चला रहा था और ब्रेक एक ब्रेक लिया, उसमें थोड़ा मेरा हार्ट अटेंडमेंट। पोस्टिंग कहाँ पे आपकी? पोस्टिंग कहाँ पे? पोस्टिंग कहाँ पे? पोस्टिंग में सर यहीं है। कहाँ पे? यहीं सर। किस थाने में? यहीं लाइब्रेरी सर। वही थाने कोतवाली में सर। कोतवाली में रायबी कोतवाली। जी सर कोतवाली। रायबी कोतवाली में आप पोस्ट हैं? हाँ कोतवाली में। तो सिपाही हैं, क्या हैं आप? हेड कांस्टेबल सर। हेड कांस्टेबल। रिवॉल्वर आपके पास से मिली? आपकी पर्सनल है? हाँ सर। रिवॉल्वर आपके पास से मिली, पर्सनल आपकी है? हाँ सर, लाइसेंस ही मेरी है। ठीक, ओके, मेरी लाइसेंस ही है सर। ठीक। मामला आया है अभी, सिपाही कहाँ से सर, कैसे किसे गया? अमरकांत शुक्ला नाम है कांस्टेबल का, 50 साल उम्र है, फुर्सतगंज का रहने वाला है, थाना भी फुर्सतगंज लगता है। अमेठी से जैसे नीलम तिवारी नाम की महिला लेकर आई हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है, वो बता नहीं पा रहा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कारण उनको याद नहीं, मतलब उनका सेंस पूरा नहीं काम कर रहा है। इनको भर्ती कर दिया गया है प्राथमिक उपचार करके, सर्जन अभी यहाँ से देखेंगे।